हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने स्वप्ना जी शर्मा की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो डाला था अपने चैनल पे। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। सो दिस वीडियो इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर फेमस यूट्यूबर्स फ्री स्ट्रेटजी सीरीज जो आप सबको बहुत पसंद आती है। आई एम द यूट्यूबर जिसका आज हम स्ट्रेटजी रिव्यू करने वाले हैं। दिस इज अ फेमस यूट्यूबर कॉल्ड राजन राजकुमार फ्रॉम मद्रास ट्रेडर्स विद ओवर 383K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी चैनल पे 3K हो गया है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। हमने ऑलरेडी इनका एक स्ट्रेटजी रिव्यू किया है अपने चैनल पे स्विंग CPR करके। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है अब तक तो ये वीडियो क्या तो जरूर चेकआउट करना। रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे। लेट्स सी हाउ दिस स्ट्रेटजी वर्क्स। सो वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट दिस वीडियो वेयर ही हैज एक्सप्लेन्ड अ इंट्राडे सेटअप यूजिंग द इंडिकेटर व्हिच ही इज प्रोवाइडिंग कॉल्ड सिंपल CPR एंड ही क्लेम्स दैट ही हैज कोडेड इट। यू कैन सर्च दिस इंडिकेटर on trading view and you get it। और जिसको नहीं भी मिल रहा हो इंडिकेटर कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। नॉर्मल पिवट पॉइंट्स ऐड करना जिसमें पिवट के टाइम फ्रेम को डेली कर देना और कोई भी कस्टम CPR ऐड कर दो। पता नहीं ट्रेडिंग व्यू इनके इंडिकेटर्स क्यों अलाउ करते हैं और मेरे नहीं। वीडियो में उन्होंने बहुत सारे एंट्री मेथड्स बताए हैं। हम मेनली उनका लास्ट वाला स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करेंगे जिसमें उन्होंने चार्टिंग का स्कैनर यूज करके नैरो CPRs के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है और उसको ट्रेड कैसे करना है ये बताया। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटेजी पे चलते हैं जहां मद्रास ट्रेडर की सिंपल CPR स्ट्रेटजी को 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स करना है और फिर चार्ट में सिंपल CPR प्लॉट करना है। इंडिकेटर प्लॉट करना सिंपल है। सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के लाइब्रेरी में सिंपल CPR सर्च मारो तो ये मद्रास ट्रेडर की इंडिकेटर आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। स्ट्रेटजी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली रोज़ मॉर्निंग को आपको ये चार्टिंग का जो स्कैनर है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपको ये स्कैन करना है और यहाँ पर स्टॉक्स बताएगा। ये सारे स्टॉक्स में CPR बहुत नैरो होते हैं तो इसके लिए आपको ये सब स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अभी नैरो CPR के स्टॉक्स ही क्यों सिलेक्ट करना है? ऐसा माना जाता है कि जब CPR नैरो होता है ना तो वो दिन उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा और अगर वो दिन मूवमेंट नहीं रहेगा तो कोई कुछ कल या परसों उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट जरूर आएगा। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। फर्स्ट, स्टॉक शुड हैव नैरो CPR, ये तो कंडीशन है। सेकंड, प्राइस ये रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होना चाहिए और क्लोज अबाउट द रेजिस्टेंस होना चाहिए। वेल, एंट्री शुड बी क्लोज ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। स्टॉप लॉस, वेल दो स्टॉप लॉस है। जनरली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ा रहा, CPR से स्टार्ट हुआ R1 के ऊपर भी चला गया, ऐसे केस में आपको स्टॉप लॉस R1 के नीचे रख देने का है और टारगेट 2:1 के एग्जांपल देखिए, यहां कैंडल R1 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, इसके लिए हम इसके क्लोज पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस एंट्री कैंडल के लो है उसके नीचे रखेंगे और टारगेट 2:1 और ये रहा विनर। आई होप ये स्ट्रेटजी क्लियर है। चलिए अब रूल्स फॉर सेल एंट्री देखते हैं। स्टॉक शुड हैव नैरो CPR, प्राइस शुड ओपन अबव सपोर्ट एंड क्लोज बिलो द सपोर्ट, एंट्री शुड बी एट द क्लोज ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। इसमें भी स्टॉप लॉस दो है ऊपर जैसा, एक जो एंट्री कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, दूसरा अगर एंट्री कैंडल बहुत बड़ा रहा तो आपको सपोर्ट S1 के ऊपर स्टॉप लॉस रख देने का, टारगेट 2:1। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ कैंडल ने S1 के नीचे ब्रेकआउट दिया है तो उसके क्लोज पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस एंट्री कैंडल का हाई है और टारगेट 2:1। आप उनका वीडियो भी जरूर देख सकते हो अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में और जानना है तो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्ट्रेटजी को 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं इन सारे स्टॉक्स में। ये सारे स्टॉक्स हमें चार्टिंग के स्कैनर से ही मिला है। बेसिकली चार्टिंग में नीचे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आते हैं, जहां पर भी नैरो CPR हर डे में जो आया है उससे ही ये एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द फास्ट फॉरवर्डिंग।
द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 44 वॉज विन एंड 56 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 44%, टोटल गेन इन अकाउंट वॉज 14.59% और मैक्स ड्रॉडाउन -11.93%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 4 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 7। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 1.052 months। इन थियरी स्ट्रेटजी इज प्रॉफिटेबल, 14.59% गेन and the test duration is just 1 month, which is quite good. But the downfall about the strategy is its drawdown, which is -11.93%, which is really high. Just based on the drawdown, I would suggest everyone to avoid this strategy and try something else. Obviously, more testing is required. 100 testing is not enough, but based on above result, I can't recommend this strategy. So I'll add the strategy to the Google Sheet, link in the description, and this takes the 18th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification, and do like the video and share the video. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा। प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियो भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।